आज कोई खास बात है जो ये इतना इत्तमाम हुआ है? अरे मंजूर तो पहले भी कई मरतबा कराची जा चुके हैं, बल्कि वो तो हमेशा बाहर ही होते हैं, लेकिन ये इस मरतबा उनकी आमद पर इतनी दिंगा मुश्ती। जी अब्बू, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वो क्या बला होती है? अम्मा, वो हमारी शादी की सालगिरह। आए चलो, होगी कोई हिंदुओं की रस्म। नहीं अम्मा, वो ओहो बेटा, है तो फजूल खर्ची ना ये। मैंने तो चाय नहीं पीनी भाई। अभी अभी थोड़ी देर में मंजूर पहुंच जाएगा, फिर हम सब मिलकर चाय पियेंगे। भाई मैं चाय नहीं पीती, चाय भी कोई पीने की चीज है। मैं तो काफी पीती हूँ, काफी। लेकिन बेटा कल तो आप हमारे सामने चाय पी रही थी। अब भाई मैंने आज से ही काफी पीनी शुरू कर दी है। अरे बहू, जहारा बतूल के लिए कॉफी बना दो। हमें तो जहर लगती है, तेरा चला हुआ गुड़। जी अच्छा। ये पानी उबल जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर कॉफी बनाऊंगी। तुम इसे हाथ ना लगाना। अच्छा बेगम साहब। हेलो, फ्लाइट इंक्वायरी। ये कराची की फ्लाइट किस वक्त पहुंच रही है? जी पहुंच गई। अच्छा थैंक यू। छुपा कर रखा था कि उसे वेडिंग एनिवर्सरी पे प्रेजेंट करूंगी। तो मैं क्या करूं, जो जान के थोड़ी तोड़ा मैंने, गिर गया मेरे हाथ से। आप ही, मैं कब कह रही हूँ कि आपने जान कर तोड़ा है? हाँ हाँ, आप तो जब से आई हैं, जब से मेरी हर बात के पीछे पड़ जाती हैं, हर वक्त वावेला करती हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप ही कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मैंने जान के थोड़ी गिराया, वो खुद ही गिर गया मेरे हाथ से छूट के। अरे बहू, एक कतर की शीशी के लिए तुमने खाम खा बच्ची को रुला दिया। भाई मंसूर से कह के तुम्हें दूसरी मंगवा दूंगी। है कमाल है, हद होती है हर बात की। वो बेगम साहब जी, वो मंजूर साहब नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे? ये कैसे हो सकता है? बेगम साहब, मैंने सारे लोग देखे हैं, जब आखिरी आदमी चला गया तो मैं वापस आया हूँ। हेलो हेलो नाजी, मैं मंजूर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, वो आज फ्लाइट मिस हो गई। पता क्या, वो जब मैं निकलने लगा तो एन उसी वक्त एमडी साहब ने मुझे बुला लिया, वो एक गेस पेरिंग ठीक करने को कहा। कल मैं इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाऊंगा। मंजूर, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओहो नाजी, तुम नहीं जानती आजकल नौकरी इसी तरह होती है। तुम मेरी किसी भी बात का ख्याल नहीं रखते, तुम कभी घर पर नहीं होते। आज मैंने तुम्हें कितनी मिन्नतों से बुलाया था, मेरे साथ तो कोई बात करने वाला भी नहीं होता। नाजी नाजी, तुम फिक्र नहीं करो, कल मैं हर सूरत में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, कल आकर दफ्तर से मैं 5-6 दिन की छुट्टियां भी ले लूंगा। कल भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहब, वो केतली पिघल कर चूल्हे पर फैल गई है जी, अब क्या करूं जी? कौन सी केतली? वो जी जिसमें आपने कॉफी के लिए पानी रखा हुआ था। मैं तो इसलिए नहीं उतार रहा था क्योंकि आपने हाथ लगाने से मना किया हुआ था जी। बाहर में जाओ तुम लोग। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को बुलाओ, मुझे अम्मी क्या जाना है। वो तो चला गया जी। उफ। बेगम साहब आप ना सो जाओ, सुबह उठ के आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो जी केतली, जाओ निकल जाओ।
अरे बहू उठो, दोपहर होने को आई है, मैं कब तक सोती रहोगी तुम? आ रही हूँ अम्मा। अरे बेटा। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। जी तरह कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। अम्मी मैं तो आप ही के पास आ रहा था, वो और मैंने कहाँ जाना है, वो असल में नाजी फोन पे नाराज हो गई थी, जरा मैं उसे। अरे बेटा कभी माँ के पास भी बैठ जाया कर, चला इधर। मैंने और कहा अरे हाँ बेटा चला जाना, नाजी के पास भी चला जाना। आई देखो ना बेटा, जब तक उस लड़की को जगाऊंगी नहीं वो जागेगी नहीं, आखिर उसका मतलब क्या है ना, हमसे जिद करके उसको मिलेगा क्या? जी जी। अब कल देखो, एक बोतल के टूटने पर इतने रोने धोने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, खामखा जहां आरा बदूल को रुला दिया उसने। मेरे पीछे तो वो खामखा ही पड़ी रहती है, पता नहीं उसको मुझसे क्या दुश्मनी है। नहीं सब ठीक हो जाएगा आपी। फिर भाई आपी, अम्मा देखे अब भाई देखे, इसे मैंने कितनी दफा कहा मुझे आप ही ना कहा करे। अरे बेटा तो जब उसको नहीं पसंद तो नाम ही ले लिया कर बच्ची का। ये जान जान के मुझे चिढ़ाने के लिए आप ही कहता है, वरना ये इतना छोटा तो नहीं है मुझसे। हाँ ना बेटा, कोई रिश्ता आएगा तो वो इसे बड़ा समझेंगे, समझा करना। अब देखो हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें मिलने तक नहीं आई। अरे भाई हम तो ये कहते हैं कि वो हमसे मिले ना मिले, मगर तुम्हारा तो ख्याल रखे ना वो। जी अभी वो अरे थैंक यू भाई। हेलो सलाम अलैकुम भाई। ये क्या बदतमीजी है, मैं कराची से इतने दिनों के बाद आया हूँ और जनाब लिफ्ट ही नहीं करा रही। ओह वेडिंग एनिवर्सरी पर नहीं आ सका भाई, वो मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं माफी चाहता हूँ। अब भी आने की क्या जरूरत थी, माँ बाप से ना मिलूं, उन्हें घर से निकाल दूं। मैं उनकी नहीं कराची से आने की बात कर रही हूँ। बाबा फ्लाइट मिस होगी तो मैं क्या कर सकता था। घंटा हो गया तुम्हें आए हुए, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इस घर में नहीं रहती, तो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो, क्यों आखिर क्यों? नाजी 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 इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है, अगर दो मिनट में माँ के पास बैठ गया तो कौन सी कहमत आ गई। तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे साफ साफ कह दो। हाँ तुम तो यही चाहते हो कि मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ ताकि तुम्हारी जान छूट जाए, बहाने क्यों बनाते हो, साफ साफ कह दो कि मैं घर से निकल जाऊं, मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरे इस घर को जहन्नम कहती हो? मैं ही बेवकूफ था जो कराची से यहां आ गया और आकर छुट्टियां भी ले ली, वहीं रहता तो बेहतर था। तो अब भी चले जाओ, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती रोका है, और तुम क्यों जाओगे, मैं खुद ही चली जाती हूं। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। नजीब प्लीज देखो छुट्टियां जाया मत करो। लेकिन तुम अपने माँ बाप से इतना डरते क्यों हो? पापा मैं क्या कर सकता हूँ, हमें बचपन से इसी तरह डराया गया था। तो मेरे लिए वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट भी नहीं लाए? हाँ नहीं मैं लाया था। कहाँ है वो तो आप ही ने रख लिया। क्यों भाई, मेरे माँ बाप यही चाहते थे ना। आखिर तुम्हारे माँ बाप चाहते क्या हैं? उनके डर की वजह से हम हनीमून पर भी नहीं गए। तो अब चलते हैं। अब क्या जाएंगे, तुम्हारी माँ को मालूम हो गया तो वो जाने देंगी हमें? हम ऐसा करेंगे ना जी कि हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो फिर भी नहीं जाने देंगी, मुझे मालूम है ना। नहीं ना जी, मेरे माँ बाप इतने जालिम भी नहीं है, वो पता क्या पहले भी इन्होंने मना नहीं किया था, वो तो मैंने डर के खुद ही नहीं पूछा था कि कहीं वो माइंड ना कर जाए। पूरे 5 दिन बाहर रहेंगे। हाँ ठीक है। इस्लामाबाद। मंजूर। अब्बा जी मैं जी आपसे बात करना चाहता था जी। अब्बा जी भाई बुला रहा है।
क्या हुआ? वो जी मैं जी वो इस्लामाबाद जाना चाहता था। तो मेरा मतलब था जी कि हम इस्लामाबाद जाना चाहते थे। हाय, हम इस्लामाबाद चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और नाजी। अरे इस्लामाबाद में ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं है, है? देखो ना बेटा, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत पड़ी है? अबा जी, हम अफोर्ड कर सकते हैं, फिर छोटे मोटे ट्रिप से क्या फर्क पड़ता है जी? ओ बेटा, है तो फजूल खर्ची ना। अबे हमें जाने देना इस्लामाबाद, हमने देखा ही नहीं है किसी ने भी। अरे मैं तो कहती हूँ कि इनके भी जाने की जरूरत नहीं है। बस अम्मी, वो चंद दिनों की तो बात है सारी। अच्छा, तो फिर जहां रबतुल को भी साथ लिए चलो। वो मम्मी, आप ही को अगली मर्तबा ले जाएंगे। लो, अगली मर्तबा? अगली मर्तबा क्या पता, मैं यहाँ कितने दिन की मेहमान हूँ। बेटा, हमारी तो इतनी हैसियत ना थी, अब अगर खुदा ने तुझ पे करम किया ही है तो बहन और बीवी दोनों का हक निभा। आखिर बतूल, आए हाय, जहारा बतूल ने भी तो इस्लामाबाद नहीं देखा, इसको भी साथ लिए चल। हाँ जी, वो लेकिन वो। अरे बस बस, रहने दे, तुझे भी जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जा यहीं पे। अच्छा ले चलते हैं, लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं है, आई ये भी देख लेगी इस्लामाबाद, इसको ले जा साथ। उठाओ ये वाला बक्सा, ये रखो, जगह बनाना ना जरा तरीके से। हाँ, ये पकड़ो। आप भी? और ये भी। ये इतना सामान, ये है? अगर कंबल ना रखूं तो पता चल जाए मरीज आके ठिठर के मर जाओगे तुम। चलो ये सारा सामान जाएगा, पहले इसे हटाओ ना। अरे अरे, ये टीवी और वीसीआर किसने लिया? मैंने कहा है ये पकड़ो ना तुम। फ्रिज और डीप फ्रीजर भी रखवा ले, उसी की कमी रह गई है। तुम दोनों अगर घूमने निकल गए और मैं अकेली कमरे में पड़ी रही तो? आप ही वहाँ होटल में टीवी वीसीआर होते हैं, मिल जाते होंगे, मुझे भी पता है। तुमने भी सिर्फ गाड़ी में रख के ले जाना, सर पे तो नहीं उठा के ले जाना। नखरे देखो सर कैसे कर रहे हैं। चलो भाई रखो, हटो जल्दी करो। और हाँ, ये भी रख लो। नाजी, मेरे ख्याल है ये तोते का पिंजरा तुम अपने पास रखो, भाई को ड्राइविंग में मुश्किल होगी। अरे क्या कर रही है? भाई तेज चलाना, बहुत मजा आता है। हेलो जी, गेस्ट हाउस। वाजी जी, वाजी जी, गजब हैपन, गजब हो गया जी। ओहो, टेलीफोन बंद करें, क्लोज द टेलीफोन एंड लिसन माय टॉकिंग, मेरी बात सुने। प्लीज होल्ड कीजिएगा, हमेशा बेवक्त आते हो, क्या बात है? दी कुक द कनस्टर ऑफ ग्रेट स्कैप। क्या बनास्पति? यस, सीधी बात करो। वो नया कुक नहीं है, घी का कनस्टर लेके गायब हो गया। क्या हो गया? हाँ जी, कौन भाग गया? वो नया कुक घी का कनस्टर लेके। ओ पकड़ो भाई, जल्दी करो उसको। किसे जी? वो कनस्टर को, मेरा मतलब है कुक को। चलो पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो। आखिर वो कनस्तर, मेरा मतलब वो कैसे भाग गया? सर वो जैसे पहले वाला भाग गया था। मत बकवास क्या करो, हर वक्त बकवास करते रहते हो, काम चोर कहीं के, रोटियां तोड़ते रहते हो और काम होता नहीं है, एक कनस्तर तक नहीं पकड़ सके तुम। ओहो सर जी, उसने कनस्तर पकड़ाया नहीं और भाग गया। कौन भाग गया भाई? वो कनस्तर भाग गया, मेरा मतलब है वो कुक भाग गया जी। हाँ, वो उसने तो क्या क्या, बोलो बोलो। उसने तो मुझसे 1,000 रुपए लिए। लेकिन क्यों? कह रहा था बच्ची बीमार है तो मैं आहिस्ता करके तनख्वाह में से कटवा दूंगा। तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया उसका? उसने मना जो किया था। ओ खुदाया, ये कितनी बेवकूफ औरत है। नहीं तो वो कोई अपना सामान छोड़ गया होगा। ठीक है, वो बेच देंगे, पैसे आ जाएंगे। कैसे बेच देंगे? He left no one तीली, उसने तो एक दिन का भी नहीं छोड़ा। तुम थे कहाँ इतने दिन? कब से फोन कर रही हूँ मैं। यार मैंने तुम्हें इतना फोन किया, तुम बिजी हर वक्त रखती हो फोन को। मैं कहाँ रखती हूँ, वो देखो। यहाँ करती क्या रहती हो तुम सारे? यार सब तुम आई हो, तुम देख लो क्या करती हो, सारा काम तुम ही करती। अच्छा, सारा काम तुम ही करती?
अस्सलाम वालेकुम। वो हमें दो कमरे चाहिए। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। कैसा गेस्ट हाउस है ये? आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। जी हमें घर जैसा माहौल नहीं चाहिए। कितना गंदा है बाबा ये गेस्ट हाउस। मंजूर मैम तुम बाद में मुझे जरा फोन कर लेना। एक्सक्यूज मी मैडम, ये तो इस्लामाबाद का सुथरा तरीन गेस्ट हाउस। बदबू तो इतनी आ रही है यहाँ से कि तौबा। ये बदबू आपके मोजों में से आ रही होगी। हैं? आप कौन है आंटी? और आपको इतना नहीं किसी ने बताया कि किसी के नए मोजों से ऐसे नहीं कहते? और आपको किसने कहा कि आप इतनी बदतमीजी करें मेरे साथ? ये आंटी किसने कहा तुमने? आपको कह रही हूँ आंटी, देखे आपको इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। आंटी हूँ तुम्हारी? देखो जरा ये 14 है जर, मुझे आंटी कह। अजी मजाक में कहा? नहीं नहीं मजाक में कहा। आंटी नहीं हूँ मैं, कहाँ से आंटी हो सकती? नहीं नहीं मजाक, मुझे किस तरह आंटी कहा? मुझे आंटी कहा? मजाक मैंने मजाक में कहा, मैंने सचमुच कहा है आंटी। आप क्या कर रही हैं? ये रेस्ट हाउस गंदा है, मैंने ये भी सचमुच कहा, मजाक नहीं कर रही। खुदा के लिए मैं अब्बा से कहूंगी तुमने मुझे इतनी गंदी जगह ठहराया था, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक बात सुने, ये आंटी पागल है क्या? आप ही मुराद खड़े क्या? चलो चलो चले चले नमाज पढ़ रही हूँ। सॉरी सॉरी खामोश हो जाए। आइए 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 जी आइए जी। मुझे तो पहले पता था। चले क्यों पता है? कमाल है, कैसे पता था तुम्हें? अच्छा है ना? नाइस। ठीक है। इजी फील जी? यस। सर आपको अंग्रेजी आती है जी? नहीं नहीं मेरा मतलब मैं अंग्रेजी में आपसे एक बात पूछूं जी। पूछो पूछो। टीआईपी आप पूछो। नहीं जी भूल गया जी, फिर कभी पूछ लूंगा जी। ठीक 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 सर। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। यस मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए प्लीज। मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ, अगर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताइए। नहीं जी शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू। वो दरअसल मेरा ख्याल है वो आपकी बेगम है, वो शायद किसी बात पे नाराज हो गई थी। नहीं नहीं वो मेरी बहन है, साथ वाले कमरे में। अच्छा 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 अच्छा। आई एम सॉरी, मैं जाके उनसे ज़ाती तौर पर माजरत कर लेता। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। फिर भी बहरहाल मैं यहाँ मौजूद हूँ, किस चीज की जरूरत मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। हाँ यस। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। सलामुअलैकुम जी। भाई साहब मैं दरअसल इसलिए हाजिर हुआ था कि आपसे मालूम करूं कि कोई आपको यहाँ पे चीज तो नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं जी शुक्रिया जी, कुछ नहीं चाहिए। असल में मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। तो आज दोपहर मेरी बीवी ने मेरा ख्याल है आपके साथ बहुत ज्यादती की, बदतमीजी की, जिसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। आप आंटी के मियाँ हैं? जी हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। आप आंटी के मियाँ हैं ना? आप आंटी के मियाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की? हाँ। आपकी इतनी मजाल कैसे हुई कि आप मेरे कमरे में आए? नहीं, आपने नहीं, नहीं, आपने समझा क्या? आपने समझा क्या? हेलो जी, मैं लैला बोल रही हूँ काउंटर से। आपने कोई इलेक्ट्रिशियन बुलवाया था टीवी और वीसीआर लगाने के लिए? तो जी ये चीजें तो कोई भी लगा सकता है। जी नहीं, बिजली का काम जो जानता होगा ना वही आदमी भेजे, मैंने अपना वीसीआर और टीवी खराब नहीं करवाना, समझी? देखिए जी वो हमारे पास है रैम्बो, रैम्बो वो बहुत अच्छा काम करता है, वो लगा लेगा। कौन? रैम्बो वो फिल्मी हीरो सा। फिल्मी हीरो? अच्छा फिल्मी हीरो, अच्छा भेज दे फिर जल्दी से। रैम्बो
जी बाजी जी, जाओ 14 नंबर और वहाँ पर जाकर उनका VCR TV लगाओ और आके फिर मुझे बताना। VCR TV अंग्रेजी फिल्म है जी। जाओ भी। रेम्बो फिल्मी हीरो जी, आइए। जी फरमाइए मिस, आपने मुझे याद किया। जी वो आप प्लीज मेरा TV और VCR लगा देंगे? आप बड़ी दिलकश खातून हैं। थैंक यू जी। ये फूलों का नजराना मेरी तरफ से कबूल कीजिए। जी मुझे VCR TV कठे लगाऊं। लादा लादा जी। तुम कौन हो? जी माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो। कठे ही लगा दूं अब? अच्छा जी, फिक्र ही ना करें जी, मुझे बड़ा तजर्बा है, रोज दो दो फिल्में देखता हूं मैं VCR पे, वो भी अंग्रेजी। या मैं जल्दी खोलो। अच्छा आप ही खोलता हूँ एक मिनट। जल्दी खोलो ना भाई। हाँ खोलता हूँ। वो आग लगी VCR को, TV भी जल गया, VCR भी जल गया, कमरा फर्नीचर जल गया, मेरे कपड़े सब जल गया ना। कैसे कैसे? टीवी 14,000, VCR 12,000, कपड़ों का कोई अंदाजा ही नहीं, फर्नीचर 20,000, मेरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, इसे कौन पूरा करेगा? ये तो सैड सॉन्ग हो गया पूरा, बड़ा ही दर्दनाक मंजर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा बहुत दर्दनाक मंजर है। बड़ी अच्छी लग रही हो, शक्ल देखी है तुमने अपनी? तो और करो कंजूसियां, कमाल है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा 50,000 रुपए का नुकसान कौन पूरा करेगा? बुलाओ उस गधे को। रैम्बो, ओ रैम्बो। आई कम बॉस। यस सर। आया जी। जी 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 सर। दफा हो जाओ मेरे सामने से। यस सर। बात सुनो, इधर आओ। जी सर। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हें टीवी और VCR लगाना नहीं आता था तो तुम क्यों गए थे वहां? तुम्हें किसने भेजा था? मुझे जी वो, हाँ बोलो बोलो। मैं खुद गया था जी आप। अच्छा, खुद गया था। अब मेरा ये 50,000 रुपए नुकसान जो हुआ है, तुम्हारा बाप पूरा करेगा? नहीं जी, मैं करूंगा जी। वो आप ना हर महीने मेरी आधी तनख्वाह काट लिया करें। आधी तनख्वाह में तुम्हें अंदाजा है कि कितने साल में नुकसान पूरा होगा? हाँ जी, वो मैंने हिसाब लगाया था, वो ना 14 साल लगेंगे। और आधी तनख्वाह तू मिट्टी खाएगा? खैर है ना शमीम, 100 रुपए महीना के हिसाब से उसकी तनख्वाह में से काट लिया करो। 100 रुपए महीना के हिसाब से 40 साल लगेंगे नुकसान पूरा होने में। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ यहाँ से। सर बातें, तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से, और आइंदा मैं तुम्हारी ये मनहूस सूरत कभी ना देखूं। निकलो यहाँ से। जाऊं जी सर। बेगम साहब जी। मैं देख रही हूँ भाई, हटो आगे से। अच्छा देखने आओ, बैठो ना। क्या हो गया अभी? तुम कब तक यूं ही बैठे रहोगे? जाकर बात करो ना दूसरे कमरे की। क्या हो गया आप लोगों को? जो ही कोई कमरा खाली होगा तो वो हमें बता देंगे। यहाँ बैठे रहने से तो कमरा मिलेगा नहीं, जाकर बात करोगे तभी देंगे ना। क्या मुसीबत है, जाता हूँ। सुनो सुनो भाई जी, जी। उनसे कहना मेरे टीवी और VCR के पैसे जरा जल्दी भिजवाएं। अरे अभी आ जाएंगे पैसे, पता नहीं क्या जा रहा हूं मैं। नाजी जरा उठ के जरा एक जोड़ा मेरा निकाल के इस्त्री कर दो।
दिली रंग जो सदमा पहुंचा कि वो आपका वीसीआर और टीवी देखे ना 20,000 रुपए का आपका नुकसान हुआ हम मानते हैं, लेकिन देखे ना 50,000 रुपए हमारे भी वो कालीन था वहाँ पे और वो देखे ना इतना सामान था हमारा फर्नीचर वो सारा जल गया राख हो गया 50,000 डूब गए और देखे कसूर हमारा बिल्कुल नहीं। वो लड़का नहीं है, वो रैंबो काम करता वो चला गया, उसको आता काम है नहीं था, हमने नौकरी से निकाल दिया उसको, आप क्या समझते हैं वो या हमारा सामान हो तो हमारा ही हो, लेकिन नुकसान तो मेरे बंदे का होते ना, नुकसान तो हो गया हमारा, तो इतना सारा नुकसान हो गया, यकीन करें 50,000 की रकम करके उड़ गई है। अब बताओ इसमें मैं ये कहने आया हूं कि हमें एक कमरा और अरेंज कर दीजिए बस। कमरा? जी। तो आपको कमरा एक और चाहिए? जी हाँ। तो ऐसा है कि कमरा तो मेरा ख्याल है कोई भी फारिग और नहीं है, तो देखिए ना जी कमरा हो तो आपको पहले देंगे ना, आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने कमरे में जी जी। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लें? जी जी प्लीज प्लीज कुछ हाँ, कर दीजिए प्लीज। यस वो जरूर जी, क्यों नहीं, और जैसे ही कमरा खाली होगा पहले आपको जी। देखिए प्लीज हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं जी थैंक यू प्लीज आपका। मेरी उंगली दबा दी। हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो आधी रात को? आपने मेरी उंगली दबा दी अभी। अरे तो जमीन पे सो रहे हो तो सिमट के सो ना, मुझे क्या पता नींद में बाथरूम जा रही थी, आ गई होगी बीच में तुम्हारी उंगली, तो मुझे सो जा चुप करके, मुझे तंग ना करो शोर ना करो। सो जाता हूँ। क्या कर रही हैं आप ही? हुँ? क्या कर रही हैं इस वक्त आप? पापड़ खा रही हूँ, भूख लग रही है। आपको पता है क्या वक्त है? क्या हुआ, जिस वक्त भूख लगी उसी वक्त खाऊंगी ना। खुदा की ये सोने में रात के 2 बजे भूख लग रही है। तो फिर क्या करती? और तुम तो चाहते हो मैं भूखी मर जाऊं, बताऊंगी अम्मी अब्बाई को। सोना सोना सो तुम्हें मुझसे क्या है, अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या। Ish.
खुश। देवदास बने बैठे हो। अच्छा यहाँ तो सर्दी से ठिठर के मर जाओगे तुम, सुबह हंसते हुए मिलोगे। तुम ऐसा करोगे, क्या करें तुम्हारा। हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम किचन में सो जाओ, खामोशी से किचन में आज की रात सो जाओ, सुबह बात करेंगे, देखेंगे क्या बनता है तुम्हारा। मैं इनसे बात करूंगी, उठो उठो उठो, मर जाओगे यहाँ तो। मुसीब तो चलो चला। यहाँ पे आराम से पढ़ के सो जाएंगे, ये दरवाजे के साथ लग के, सुबह बात करेंगे, शमीम को ना पता लगे तुम यहाँ। बस ये मत करो, अब सो जाओ चुपचाप, गाने मत गाना। नाजी भाई, वो मंजूर देखो कहाँ चला गया, अभी यहाँ सो रहा था ना, अब है ही नहीं। आप ही साथ वाले कमरे में होगा। लो मेरा भाई साथ वाले कमरे में क्यों होगा, अपना कमरा लिया हुआ है उसने गेस्ट हाउस में, ये कोई मजाक है, जाओ उसे बुलाकर लाओ ना। अभी मुझे नींद आ रही। भैया तुम्हें तो अपनी नींद से फुर्सत हो तो तुम्हें शोहर का ख्याल हो ना, बताऊंगी अम्मी अब्बाई को जाके सारा कुछ। चलो उठो जाके उसे बुला के लाओ, नींद आ रही है। अजीब लड़की है। लो हमने तो सुना है बहुत खिदमत करती है बीवियां शोहरों की, यहाँ इनका मियां साथ वाले कमरे में पता नहीं धक्के खा रहा है और ये नींद की पड़ी हुई है। नींद आ रही है, सुभान अल्लाह, मगर वो क्यों चला गया सुबह सुबह उठ के। अच्छी वाली सुकून की नींद अपने कमरे में आती है इंसान को, तकिया उसके पास था, कम्बल उसके पास था, पता नहीं क्यों चला गया। ये रहे आपके भाई, बाहर कॉरिडोर में सोए हुए थे। भाई तुम कहाँ गए थे भाई? सुकून की तलाश में। तो कमरे में क्या था, यहाँ सो जाते, तुम्हारे पास हर चीज तो थी। अच्छा अब सो दो, चलो यहाँ। नहीं अब मैं नहीं सो सकता, 5 बज रहे। 5 बज रहे, चलो ठीक है फिर ना सो, मुझे नाश्ता ला दो, मुझे भूख लग रही है। अभी खुदा के लिए अभी 5 बजे गेस्ट हाउस के नौकर भी नहीं उठे होंगे सोकर। तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लग रही है, 5 बजे मैं क्या करूं फिर, 5 बजे तो बजे रहे। तुम जाके जरा नाश्ता बना दो ना जी, शाबाश, तुम्हें पता है सामने बर्ची खाना बना हुआ ना, उधर यूं जाओ सीधे हाथ को। अभी खुदा के लिए प्लीज। मैं बताऊंगी अम्मी अब्बाई को, तुमने मुझे भूखा मार दिया, यहाँ लाके सारी रात मेरे पापड़ों से गुजारा किया, देख ना तुम। नाजी प्लीज जाओ 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 जाओ, जरा बना के लाओ। हाँ और वो ऑमलेट बनाना 4 अंडों का, हरी मिर्चों वाला। हर दिन मंजूर, अगर ऐसी एक रात और गुजारनी पड़ी ना, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। प्लीज चाय दो यार। तुम भी नाश्ता करोगे क्या? हाँ हाँ बाबा, मैंने नाश्ता नहीं किया है। तुम तो वो कर रहे थे, क्या नाम है उसका, वो डाइटिंग। डाइटिंग मुझे नहीं करनी, डाइटिंग मुझे चाय दे प्लीज। अच्छा नाश्ते के बाद का क्या प्रोग्राम है? नाश्ते के बाद हम सब चलेंगे शकरपारा, बहुत मजा आएगा। मंजूर मेरा चाइनीज खाना खाने को बहुत दिल चाह रहा है, क्यों ना हम आज दोपहर को चाइनीज रेस्टोरेंट चलें? हाँ ठीक है बिल्कुल चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी चाइनीज वाइनीज, मुझे नहीं पसंद उनका खाना, बंदर के कोफ्ते और मोर के पाए, बिल्कुल नहीं, मैं तो बाल्टी गोश्त खाऊंगी। तो फिर ठीक है आप लोग ही चले जाइएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे अरे आप ही शक्करपनिया भी चलेंगे और नाजी खाना भी चाइनीज में खाएंगे, ठीक है? अगर तुम लोग चाइनीज खाना खाने जाओगे ना, मैं अपना बाल्टी गोश्त और चपातियां साथ लेके जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद चाइनीज। चलो नाजी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू भाई, किधर? नासिर व्हाट अ सरप्राइज भाई, देख लो तुम तो हमसे छुपी फिर रही हो, हमने भी लेके तुम्हें ढूंढ निकाला है। मंजूर ये नासिर है मेरे कजन, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, इस्लामाबाद में रहते हैं। जनाब हम आपसे मिले थे आपकी शादी वाले रोज, जिस दिन आप दूल्हा बने हुए थे, मगर उस दिन की तो शायद ही कोई बात आपको याद हो। बस ये आपको तो पता है। नासिर ये हमारी आप ही है।
100 दफा मना किया सबके सामने, अभी मत कहा करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आनिसा जहां अरब बतूल कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आसा जवां अरब बतूल। नहीं जी, जहां अरब बतूल जी। जी हां, आई एम सॉरी, वैसे जवां अरब इतना गैर मुनासिब तो नहीं। बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप, बैठिए ना। प्लीज बैठिए, बैठिए। शुक्रिया। हाँ भाई नादी, ये छुप छुपा के कैसे यहाँ? हमसे ऐसी क्या नाराजगी है भाई? नासिर, आई स्वेयर मैं कल से तुम्हें फोन करना चाह रही थी, मगर कल से प्रॉब्लम्स में रहे। नहीं नहीं मुनाजी, आप मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है, और दुल्हा मियां और आसा जवां अरब बतूल से मुलाकात हो गई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, आप लोग ठहरे हुए कहाँ हैं? हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। अच्छा, अब तो आपको हमसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। शुक्र है आप ही को कमरा मिल गया, वरना आज की रात भी कल की तरह जाकर गुजारते। एक तो वो आदमी के नर्व्स पे सवार हो जाती है। खैर, अब मेरी आप ही इतनी बुरी भी नहीं है। वैसे नाजी, तुमने भी आप ही को भाभियों जैसा प्यार देने की कोशिश नहीं की? लेकिन वो हाँ, मुझे मालूम है तुम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी हो और वो उर्दू मीडियम में। वैसे मेरी आप ही ने भी मैट्रिक किया है, ये अलग बात है कि वो गाँव के स्कूल में पढ़ी है, वैसे वो इतनी नासमझ भी नहीं है। अरे आपी, क्या हुआ? कमरे में तो मेरा एक मिनट गुजारा नहीं है, इतनी दहशत हो रही थी मुझे, अकेले में दिल ही नहीं लग रहा था। कोशिश कर रही थी नींद नहीं, जरा पैर खसकना। ये कंबल अच्छा है, तो चुभने वाला है लेकिन मैं। तुम जमीन पे सो जाना ना, हमेशा तो सोते रहे बचपन में। सुकून आ गया भाई, ये तो हिल रही है, तुम तो कह रहे थे सिर्फ चलती है। ओहो आपी, कुछ नहीं होता, देखो कितना मजा आ रहा है ना। मजा तो आ रहा है भाई, वैसे कितना पानी है ना यहाँ देखा। हाँ खासा गहरा पानी है अभी। अच्छा भाई, कोई गाना याद है दरिया की मुनासिबत से? नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं याद। हाय मुझे याद है मगर। अच्छा चलो छोड़ो। तौबा है नाजी, कितनी डरपोक है, आ जाती तो कितना अच्छा था, मजे से बैठी बातें कर रही है। मुझे तो बड़ा मजा। अभी भाई इसको किश्ती नहीं सही चलानी आती, अम्मी गिरने लगी थी मैं। ये तुम्हारी नन क्या चीज है भाई? बस नासिर क्या बताऊं तुम्हें, एक साल के बाद हम हनीमून पर आए हैं और ये हमारे सर पर सवार हो गई। सर पे तो सवार होना है उसने। क्या मतलब भाई, उसके बारे में आपने कुछ सोचा? आपको सिर्फ अपने हनीमून की फिक्र है। नासिर खुदा के लिए कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं और मंजूर अकेले कहीं घूम फिर सके। बहुत मुश्किल है। क्यों? ये जो होते हैं ना कंबाइंड फैमिली सिस्टम, इनके बड़े मसाइल होते हैं। देखो नासिर, तुम समझने की कोशिश करो, जब से मेरी और मंजूर की शादी हुई है ना, मुझे एक पल भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अपने शोहर के साथ सुकून से बैठकर एक प्याली चाय पी सकूं। चाय तो दूर की बात है, इन हालात में तो सांस भी कंबाइन होकर लेना पड़ता है, मगर तुम एक समझदार औरत हो, तुमको चाहिए हालात के साथ थोड़ा कुछ समझौता वगैरह करो भाई, और एक किफायतशार भाभी की तरह जहांरा की खिदमत करो, और छोड़ो ये हनीमून की फजूल खर्ची। I'll kill you, नासिर। शुक्र है मैं बच के आ गई, मैं तो समझी थी बचूंगी नहीं, बड़ा मजा आया। हेलो, आपको नहीं शौक दरिया की सैर का? आपकी दरिया नहीं है, झील है भाई, एक ही बात है ना, बड़ा मजा आया। चले भाई, कितना प्यारा इस्लामाबाद है भाई। आप ही वो देखे शक्कर पड़िया है ना। ओहो, आप ही दूरबीन से देखें, दूरबीन से। हाँ, वो देखे सामने भाई, जबरदस्त है भाई। वो जो बड़ी सारी बिल्डिंग है, वो नासरा के अबू का दफ्तर है ना, वो सामने। ओहो आप ही नासरा कहाँ से आ गई? ये इस्लामाबाद है, लाहौर नहीं है। लो, मैं तो भूल गई। नासिर, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, क्यों ना ऐसा करें कि तुम अभी सुबह सुबह आपी को सैर कराने ले जाओ और शाम को वापस छोड़ दो। ना बाबा ना। नासिर, सिर्फ एक दिन के लिए,
प्लीज सिर्फ एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन जिसमें कोई जहारा बतूल ना हो। लेकिन मंजूर क्या कहेगा? मंजूर कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हें जानता है अच्छी तरह। तुम आप ही को ऑफर करके तो देखो। नहीं नहीं भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ, तुम खुद कह के देख लो। प्लीज अभी वो देखें, फैसल मस्जिद। अरे आप ही इससे देखें ना। हाँ इससे देखें ना। वो देखे सामने कितनी बड़ी है ना। हाँ अच्छा बस अब तुम देखो, मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं हाँ हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, अब ही मैं वो नासिर से मोटरसाइकिल के बारे में पूछ रही थी। मोटरसाइकिल? अरे कितनी डरावनी सवारी है भाई, बहुत खतरनाक होती है ये। मैंने एक दफा सर्कस में देखा था, मौत का कुआं। आप ही क्या, ये आपको मौत के कुएं के मोटरसाइकिलिस्ट लगते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ये सवारी बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, आप चाहें तो नासिर आपको मोटरसाइकिल पर सैर कराएगा और इस तरह आपका खौफ भी दूर हो जाएगा। मैं और मोटरसाइकिल पे? तौबा करो, मैं कभी ना बैठूं, मुझे बहुत डर लगता है भाई। वैसे बाय द वे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एक मरतबा रूसी सर्कस होता ना, उसमें हाथ छोड़ के मोटर बाइक चला चुका। शर अब नासिर, आप ही ये तो ऐसे ही आपसे मजाक कर रहा है। अब आप इतनी दूर इस्लामाबाद आई हैं, तो आखिर आपको यहाँ की सैर भी तो करनी चाहिए ना। हाँ सैरें तो मैंने बहुत सारी करनी है, लेकिन पता नहीं नासिर साहब मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाते भी हैं या नहीं। कैसे नहीं बिठाएंगे, मैं उनसे कहूंगी तो जरूर बिठाएंगे। चलो नासिर, आप ही को इस्लामाबाद की सैर कराओ। नासिर वो आप ही चले जी, बैठे बैठे। नहीं नहीं वो शाम को वापस आ जाएंगे। नहीं आप ही बात भाभी मेरी नासिर। अच्छा नासिर जाओ नासिर, आप ही नासिर सुनो, ऐसा करते हैं कि अभी गेस्ट हाउस चलकर चीजें लेकर मरी चलते हैं, ठीक है ना? चलो चलो आ जाओ आ जाओ। चाय में जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है भाई? भाई बाकी का सामान कहाँ है? ये रहा जनाब बाकी का सामान, और जनाब ये रही आपकी छतरी। छतरी? मगर आज तो मतलब रालूद नहीं है, आज चमकीला सा दिन चमचम कर रहा है और दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। तुम जल्दी करो ना। वो भी जल्दी की क्या जरूरत है जल्दी? तुम नहीं जानते आज का दिन मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है। जस्ट इमेजिन, जब से हमारी शादी हुई है मैंने ऐसा दिन नहीं देखा। क्या मतलब है भाई? ऐसा दिन जिस दिन इस उफक से उस उफक तक दूर दूर तक कहीं जहारा बतौल का वजूद नहीं। मेरी आप ही है। इतना खूबसूरत दिन है, चलो जल्दी करो, जल्दी से चलते हैं, वहाँ पे सड़कों पे भागेंगे दौड़ेंगे सैर करेंगे और हाँ अच्छे से होटल में खाना भी खाएंगे, ठीक है? और मैं मालवर से शॉपिंग भी करूंगी सिर्फ अपने लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चले। और हाँ मंजूर तुमने वो रख ली है, ताश, ताश भी तो खेलेंगे ना वहाँ पे। हाँ, और वो अच्छे अच्छे से कैसेज भी रख लेना, वो भी रख लिए, सुनेंगे रास्ते में, उफ कितना मजा आएगा। चलो जल्दी करो। यस ऑल सेट। ओ यस भाई मैं क्या करूं भाई। कमजोरी हो रही है नाजी, से जाना मेरे लिए सूप बना के लाओ गरम वाला अच्छा वाला।
भाई आज कोई खास बात है जो ये इतना एहतमाम हुआ है? रेमन जूर तो पहले भी कई मरतबा कराची जा चुके हैं, बल्कि वो तो हमेशा बाहर ही होते हैं, लेकिन ये इस मरतबा उनकी आमद पर इतनी देंगा मुश्ती। जी अब्बू आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वो क्या बला होती है अम्मा? वो हमारी शादी की सालगिरह। आए चलो, होगी कोई हिंदुओं की रस्म? नहीं अम्मा वो। ओ बेटा है तो फजूल खर्ची ना ये। मैंने तो चाय नहीं पीनी भाई। अभी अभी थोड़ी देर में मंजूर पहुंच जाएगा, फिर हम सब मिलकर चाय पियेंगे। भाई मैं चाय नहीं पीती, चाय भी कोई पीने की चीज है? मैं तो काफी पीती हूँ, काफी। लेकिन बेटा कल तो आप हमारे सामने चाय पी रही थी। अब भाई मैंने आज से ही काफी पीनी शुरू कर दी है। अरे बहू जहारा बतूल के लिए कॉफी बना दो, हमें तो जहर लगती है तेरा चला हुआ गुड़। जी अच्छा। ये पानी उबल जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर कॉफी बनाऊंगी, तुम इसे हाथ ना लगाना। अच्छा बेगम साहब। हेलो, फ्लाइट इंक्वायरी, ये कराची की फ्लाइट किस वक्त पहुंच रही है? जी पहुंच गई। अच्छा थैंक यू। इस्लामाबाद नहीं देखा? इसको भी साथ लिए चल। हाँ जी वो लेकिन वो। अरे बस बस रहने दे, तुझे भी जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जा यहीं पे। अच्छा ले चलते हैं, लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं है, आई ये भी देख लेगी इस्लामाबाद, इसको ले जा साथ। उठाओ ये वाला बक्सा, ये रखो, जगह बनाना ना जरा तरीके से। हाँ ये पकड़ो। आप भी? और ये भी। ये इतना सामान, ये है? हाँ? अगर कंबल ना रखूं तो पता चल जाए मरीज आके ठिठर के मर जाओगे तुम। चलो ये सारा सामान जाएगा, पहले इसे हटाओ ना। ये अरे अरे ये टीवी और वीसीआर किसने लिया? मैंने कहा है ये पकड़ो ना तुम। फ्रिज और डीप फ्रीजर भी रखवा ले, उसी की कमी रह गई है। तुम दोनों अगर घूमने निकल गए और मैं अकेली कमरे में पड़ी रही तो। आप ही वहाँ होटल में टीवी वीसीआर होते हैं? मिल जाते होंगे, मुझे भी पता है। तुमने भी सिर्फ गाड़ी में रख के ले जाना, सर पे तो नहीं उठा के ले जाना। नखरे देखो जरा कैसे कर रहे हैं। चलो भाई रखो इसे, हटो जल्दी करो। अच्छा नहीं बैठ, आई बैठ। हाथ हटाना, हाथ ना आ जाए पीछे, हटो ना जी, बैठ बैठ। बड़ी पीछे जगह जैसे ज्यादा अच्छी होती बट। और हाँ ये भी रख लो। नाजी मेरे ख्याल है ये तोते का पिंजरा तुम अपने पास रखो, भाई को ड्राइविंग में मुश्किल होगी। अरे भाई तेज चलाना, बहुत मजा आता है। हेलो जी गेस्ट हाउस। वाजी जी गजब हैपेंड, गजब हो गया जी। ओहो टेलीफोन बंद करें, क्लोज द टेलीफोन एंड लिसन माय टॉकिंग, मेरी बात सुने। प्लीज होल्ड कीजिएगा, हमेशा बेवक्त आते हो, क्या बात है? दी कुक द कनस्टर ऑफ ग्रेट स्कैप। क्या बनस्पति? यस सीधी बात करो। वो नया कुक नहीं है, घी का कनस्तर लेके गायब हो गया। क्या हो गया? हाँ जी कौन भाग गया? वो नया कुक घी का कनस्तर लेके। ओ पकड़ो भाई जल्दी करो उसको। किसे जी? वो कनस्तर को, मेरा मतलब है कुक को। चलो पकड़ो जल्दी करो, पकड़ो। आखिर वो कनस्तर, मेरा मतलब वो कैसे भाग गया? सर वो जैसे पहले वाला भाग गया था। मत बकवास क्या करो, हर वक्त बकवास करते रहते हो, काम चोर कहीं के रोटियां तोड़ते रहते हो और काम होता नहीं है, एक कनस्तर तक नहीं पकड़ सके तुम। ओहो सर जी उसने कनस्तर पकड़ाया नहीं और भाग गया। कौन भाग गया भाई? वो कनस्तर भाग गया, मेरा मतलब है वो कुक भाग गया जी। हाँ
वो उसने क्या? तो क्या क्या बोलो बोलो। उसने तो मुझसे 1000 रुपए लिए। लेकिन क्यों? कह रहा था बच्ची बीमार है तो मैं आहिस्ता करके तनख्वाह में से कटवा दूंगा। तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया उसका? उसने मना जो किया था। ओह खुदाया, ये कितनी बेवकूफ औरत है। नहीं तो वो कोई कोई अपना सामान। अरे इतना महंगा परफ्यूम था, मैंने इतने दिनों से मंजूर से छुपा कर रखा था कि उसे वेडिंग एनिवर्सरी पे प्रेजेंट करूंगी। तो मैं क्या करूं, जो जान के तोड़ तोड़ा मैंने, गिर गया मेरे हाथ से। आप ही मेकअप कह रही हूं कि आपने जान कर तोड़ा है। हाँ हाँ, आप तो जब से आई हैं, जब से मेरी हर बात के पीछे पड़ जाती हैं, हर वक्त वावेला करती हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप ही कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मैंने जान के थोड़ी गिराया, वो खुद ही गिर गया मेरे हाथ से छूट के। अरे बहू, एक कतर की शीशी के लिए तुमने खाम खा बच्ची को रुला दिया। भाई मंसूर से कह के तुम्हें दूसरी मंगवा दूंगी है। कमाल है, हद होती है हर बात की। वो बेगम साहब जी, वो मंजूर साहब नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे? ये कैसे हो सकता है? बेगम साहब, मैंने सारे लोग देखे हैं, जब आखिरी आदमी चला गया तो मैं वापस आया हूँ। हेलो 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 नाजी, मैं मंजूर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, वो आज फ्लाइट मिस हो गई। पता क्या, वो जब मैं निकलने लगा तो एन उसी वक्त MD साहब ने मुझे बुला लिया। वो एक स्पेलिंग ठीक करने को कहा। कल मैं इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाऊंगा। मंजूर, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओहो नाजी, तुम नहीं जानती आजकल नौकरी इसी तरह होती है। तुम मेरी किसी भी बात का ख्याल नहीं रखते, तुम कभी घर पर नहीं होते। आज मैंने तुम्हें कितनी मिन्नतों से बुलाया था, मेरे साथ तो कोई बात करने वाला भी नहीं होता। नाजी नाजी, तुम फिक्र नहीं करो, कल मैं हर सूरत में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, कल आकर दफ्तर से मैं 5-6 दिन की छुट्टियां भी ले लूंगा। कल भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहब, वो केतली पिघल कर चूल्हे पर फैल गई है जी, अब क्या करूं जी? कौन सी केतली? वो जी जिसमें आपने कॉफी के लिए पानी रखा हुआ था। मैं तो इसलिए नहीं उतार रहा था क्योंकि आपने हाथ लगाने से मना किया हुआ था जी। बाहर में जाओ तुम लोग। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को बुलाओ, मुझे अम्मी के यहाँ जाना है। वो तो चला गया जी। उफ। बेगम साहब आप ना सो जाओ, सुबह उठ के आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो जी केतली, जाओ निकल जाओ। आए बहू उठो, दोपहर होने को आई है, मैं कब तक सोती हूँ? तुम मेरे इस घर को जहन्नम कहती हो? मैं ही बेवकूफ था जो कराची से यहाँ आ गया और आकर छुट्टियां भी ले ली। वहीं रहता तो बेहतर था। तो अब भी चले जाओ, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती रोका है? और तुम क्यों जाओगे, मैं खुद ही चली जाती हूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। नजीब प्लीज, देखो छुट्टियां जाया मत करो। लेकिन तुम अपने माँ बाप से इतना डरते क्यों? पापा मैं क्या कर सकता हूँ, हमें बचपन से इसी तरह डराया गया था। तुम मेरे लिए वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट भी नहीं लाए। हाँ नहीं, मैं लाया था। कहाँ है वो? तो आप ही ने रख लिया। क्यों भाई? मेरे माँ बाप यही चाहते थे ना। आखिर तुम्हारे माँ बाप चाहते क्या हैं? उनके डर की वजह से हम हनीमून पर भी नहीं गए। तो अब चलते हैं। अब क्या जाएंगे, तुम्हारी माँ को मालूम हो गया तो वो जाने देंगी हमें? हम ऐसा करेंगे नाजी कि हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो फिर भी नहीं जाने देंगी, मुझे मालूम है ना। नहीं नाजी, मेरे माँ बाप इतने जालिम भी नहीं है। वो पता क्या, पहले भी इन्होंने मना नहीं किया था। वो तो मैंने डर के खुद ही नहीं पूछा था कि कहीं वो माइंड ना कर जाए। पूरे 5 दिन बाहर रहेंगे। हाँ ठीक है। इस्लामाबाद। मंजूर। अब्बा जी, मैं जी आपसे
बात करना चाहता था जी। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, भाई बुला रहा है। हाँ, क्या हुआ? वो जी, मैं जी वो इस्लामाबाद जाना चाहता था। तो मेरा मतलब था जी कि हम इस्लामाबाद जाना चाहते थे। हाय, हम इस्लामाबाद चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और नाजी। अरे इस्लामाबाद में ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं है, है? देखो ना बेटा, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत पड़ी है? अब्बा जी, हम अफोर्ड कर सकते हैं, फिर छोटे मोटे ट्रिप से क्या फर्क पड़ता है जी? ओ बेटा, है तो फजूल खर्ची ना। अब्बा जी, हमें जाने देना इस्लामाबाद, हमने देखा ही नहीं किसी ने भी। अरे मैं तो कहती हूँ कि इनके भी जाने की जरूरत नहीं है। बस अम्मी, वो चंद दिनों की तो बात है सारी। अच्छा, तो फिर जहानरा बतूल को भी साथ लिए चलो। वो मम्मी, आप ही को अगली मर्तबा ले जाएंगे। लो, अगली मर्तबा? अगली मर्तबा क्या पता, मैं यहाँ कितने दिन की मेहमान हूँ। बेटा, हमारी तो इतनी हैसियत ना थी, अब अगर खुदा ने तुझ पे कर्म किया ही है तो बहन और बीवी दोनों का हक निभा। आखिर बतूल, आय हाय, जहारा बतूल ने भी तो ऐसा होगी। तुम आ रही हो अम्मा? नाजी, अरे बेटा। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। जी तरह कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। अम्मी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, वो और मैंने कहाँ जाना है, वो असल में नाजी फोन पे नाराज हो गई थी, जरा मैं उसे। अरे बेटा, कभी माँ के पास भी बैठ जाया कर, चला इधर। मैंने और कहा बेटा, नाजी चला जाना, नाजी के पास भी चला जाना। आए देखो ना बेटा, जब तक उस लड़की को जगाऊंगी नहीं, वो जागेगी नहीं। आखिर उसका मतलब क्या है ना, हमसे जिद करके उसको मिलेगा क्या? जी जी। अब कल देखो, एक बोतल के टूटने पर इतने रोने धोने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, खामखा जहां आरा बतूल को रुला दिया उसने। मेरे पीछे तो वो खामखा ही पड़ी रहती है, पता नहीं उसको मुझसे क्या दुश्मनी है। नहीं, नहीं, सब ठीक हो जाएगा आपी। फिर भाई आपी, अम्मा देखे, अब भाई देखे, इसे मैंने कितनी दफा कहा मुझे आप ही ना कहा करे। अरे बेटा, तो जब उसको नहीं पसंद तो ना मिले लिया कर बच्ची का। ये जान जान के मुझे चिढ़ाने के लिए आप ही कहता है, वरना ये इतना छोटा तो नहीं है मुझसे। हाँ ना बेटा, कोई रिश्ता आएगा तो वो इसे बड़ा समझेंगे, समझा करना। अब देखो, हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें मिलने तक नहीं आई। अरे भाई, हम तो ये कहते हैं कि वो हमसे मिले ना मिले, मगर तुम्हारा तो ख्याल रखे ना वो। जी अभी वो, अरे थैंक यू भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये क्या बदतमीजी है, मैं कराची से इतने दिनों के बाद आया हूँ और जनाब लिफ्ट ही नहीं करा रही। ओ, वेडिंग एनिवर्सरी पर नहीं आ सका भाई? वो मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं माफी चाहता हूँ। अब भी आने की क्या जरूरत थी? माँ बाप से ना मिलूं, उन्हें घर से निकाल दूं। मैं उनकी नहीं, कराची से आने की बात कर रही हूँ। बाबा, फ्लाइट मिस होगी तो मैं क्या कर सकता था? घंटा हो गया है तुम्हें आए हुए, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं इस घर में नहीं रहती, तो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो? क्यों, आखिर क्यों? नाजी, 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 इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अगर दो मिनट में माँ के पास बैठ गया तो कौन सी कहमत आ गई? तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे साफ साफ कह दो। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। बहाने क्यों बनाते हो, साफ साफ कह दो कि मैं घर से निकल जाऊं। मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। क्या तुम